Hi, I am Sagar. मैं Fcai का स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ मुंबई में Fcai का जो इंस्टीट्यूट है मैं यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ और मैं यहाँ कैसे पहुँचा हूँ और क्यों पहुँचा हूँ मैं बताता हूँ। मेरे 28 साल की उम्र है और मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचूँगा। मेरे हालात ऐसे थे कि मैं इतने उम्र तक मैं कुछ की जिम्मेदारी कुछ प्रॉब्लम की वजह से यहाँ तक नहीं आ पाया। जब मेरे पास ये हालात हुए तो मैंने इस लाइन में आने के लिए सर्च किया नेट पे कि सबसे अच्छा मुंबई में इंस्टीट्यूट कौन सा है, सबसे अच्छा कोचिंग सेंटर कौन सा है जो मैं आगे बढ़ सकूँ, मैं इस लाइन में हीरो बन सकूँ, मुझे अच्छा काम मिल सके, मैं कहाँ से जा सकता हूँ। तो मैंने नेट पर सर्च किया, गूगल पर सर्च किया FCAI फिल्म क्रिएटिव आर्ट्स इंस्टीट्यूट, तो मैंने देखा उसके फैकल्टी को, जो फैकल्टी मुझे बहुत अच्छे लगे और उनका जो मैं बैकग्राउंड देखा उनका बहुत अच्छा काम, उन बहुत सारे मूवी में बहुत सारे शॉर्ट फिल्म और एल्बम में काम कर चुके थे, बहुत एक्सपीरियंस। और हमारे कोहली सर ऑस्ट्रेलिया के पढ़े हुए हमारे कोहली सर हैं जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए हम लोग को ये सिखाते हैं यहाँ पे। फर्स्ट में कोहली सर यहाँ के जो सर है बहुत अच्छे सर है, सेकेंड विक्रांत सर जो वो भी बहुत अच्छे हैं, और हमारे मनु सर वेरी गुड सर बहुत अच्छे हैं, और हमारे संदीप सर वो चार सर हैं यहाँ पे। मैं चारों के साथ काम किया हूँ, मैं 7 बैच का स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, और मैं क्या बोलूँ मैं यहाँ पे जब सीख रहा हूँ और जब सर के साथ जब सीखता हूँ तो ऐसा लगता ही नहीं कि मैं यहाँ पे सर के साथ सीख रहा हूँ। इतना अच्छा से सिखाते हैं, जो चीज़ समझ में नहीं आता है मैं उनसे 10 बार जितना बार पूछो, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता मैं उनसे डायरेक्ट कॉल करके भी पूछता हूँ, तो कुछ भी कोई प्रॉब्लम होता है तो बताते हैं। और यहाँ पे जो हमारे जो मेन है जो FCAI के जो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है यहाँ पे ये मेरे भूषण सर, वो भी बहुत अच्छे आदमी हैं, और वीकेंड में हर हफ्ते थर्सडे को वो आते हैं और सभी स्टूडेंट से मिलते हैं और सबको वो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छी जगह पे आए हो। और यहाँ आने के बाद यहाँ बहुत सारे लोगों को यहाँ से प्लेसमेंट मिला है और बहुत सारे लोगों को काम मिला है, और मैं इसी लाइन में हूँ, इसी जगह पे हूँ, और मैं भी वादा करता हूँ सर कि मुझे भी काम मिलेगा क्योंकि मैं अभी लर्निंग में पॉइंट पे हूँ और मैं अभी सीख रहा हूँ, और मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि मैं मुझे भी अच्छा काम मिलेगा। और हमारे फ्रेंड्स जो हैं 6 बैच के 5 बैच के 4 बैच के जो भी पहले वाले जो बैच ऑलरेडी स्टार्ट प्लस पे कलर्स पे काम कर रहे हैं, और हमारे जो यहाँ के FCAI के जो नरेश सर है जो यहाँ के पूरे प्रोडक्शन जो FCAI को चला रहे हैं बहुत अच्छे से संभालते हैं, बहुत अच्छे से बच्चों को पार्टिसिपेट कर बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है वो बहुत हेल्प करते हैं, जो नरेश सर है बहुत अच्छे हैं। और यहाँ मैंने कॉल किया था तो सेरिना मैडम थी यहाँ पे जो रिसेप्शन पे रहती हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, और उसने हमें सब कुछ बताया यहाँ के बारे में, यहाँ पे क्या क्या सिस्टम है, क्या प्रोसीजर है, कैसे सिखाएंगे यहाँ पे। मैं आके मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा कभी नहीं महसूस किया कि मैं घर से बाहर हूँ, यहाँ पे इतना अच्छा। और FCAI सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है, कम टाइम में कम पैसे में बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, मुझे में चेंजिंग आया। शौक तो बचपन से था लेकिन ऐसा लगता था कि एक्टिंग बहुत आसान चीज़ है, जब मैं यहाँ पे सीखने आया, जब इंस्टीट्यूट को मैं समझा यहाँ पे आगे सीखा, तो लगता है एक्टिंग सबके बस की बात नहीं कि जाकर मैं ऑडिशन दे दूँ, मैं जाके काम कर लूँ, नहीं, इसमें बारीकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पे सीखे हैं, यहाँ के सीखने को मिला है, जो सर ने बताया है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जब तक आप ये इम्पोर्टेंट चीज़ आपको नहीं मालूम होगा, आप भले मार्केट में दौड़ते रहिए ऑडिशन के लिए, सिलेक्शन होना 100 में 80% होने का चांस है, ऐसे उम्मीद कम है। और FCAI आकर मैं बहुत खुश हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ सभी, और मैं यहाँ पे जितने भी फ्रेंड्स से मिला हूँ और अपने क्लास के फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लोग हेल्पफुल हैं और बहुत अच्छे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले जितने भी बैच हैं उनके जो दोस्त हैं बहुत हेल्पफुल हों और अच्छे से हम लोग की दोस्ती चलती रहे। थैंक यू सर।